गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, नितिन सिंह, कैसे हो? आई होप काफी अच्छे होंगे। फाइनली आरबीआई असिस्टेंट, आज से पहली शिफ्ट खत्म हो चुकी है। मेरा थर्ड शिफ्ट में, 1 बजे वाली शिफ्ट में, मुंबई सेंटर पवई वाला होटल रामादा के अपोजिट जो है कोई होगा तो डेफिनेटली मिलना, बातें करते हैं। खैर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोग के कैसे पेपर, जिन लोग का फर्स्ट शिफ्ट था उन लोग के कैसा रहा पेपर, आप लोग को कैसा लगा लेवल? मेरे को सुनने में आया, वन ऑफ आवर फ्रेंड जस्ट टेल मी कि मैथ्स का थोड़ा सा पेपर हल्का सा कैलकुलेटर था, स्पेशली एक जो डीआई था लाइन ग्राफ वाला, उसके क्वेश्चन जो थे वो काफी लेंदी लेंदी दिए थे, थोड़ा वो कैलकुलेटर था, स्पेशली अरिथमेटिक थोड़ा सा कैलकुलेटिव हुआ। तो वीडियो पूरा देखना क्योंकि एग्जाम वाले से वीडियो है, तो आधा स्किप करके कोई मतलब का होगा नहीं। और यदि पसंद आए तो जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। एज मेरा भी थर्ड शिफ्ट में है तो मेरा पेपर कैसे आता है, मुझे क्या लगता है, क्या लेवल है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट बातें करते। मेरी जो दो तीन दोस्त हैं उनने लाइक एक ने 94 अटेम्प्ट किया है, एक के 90 अटेम्प्ट है, एक के 92 अटेम्प्ट है। तो उसके जिनके 92 अटेम्प्ट है उससे बात किया तो उसने मुझे बताया कि उसने इंग्लिश में 29 किया, बोला इंग्लिश वॉज द ईजीएस्ट, इंग्लिश रीजनिंग ईजी आता। मैथ्स में उसके 28 थे और रीजनिंग में उसके 35 अटेम्प्ट, टोटल 92 अटेम्प्ट उसके हुए हैं। अब बात करूंगा यानी इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आपके उसके थे फिलर के, मतलब बहुत ही इजी फिलर्स थे। 5 से 6 क्वेश्चन आए थे फ्रेज रिप्लेसमेंट के, 2 क्वेश्चन थे वर्ड यूजर, जैसे कि एक वर्ड था इशू करके पीछे में 1, 2, 3 सेंटेंस दे दी होगी और पूछा होगा उसने कि कौन से सेंटेंस में जो ये वर्ड इशू दिया है वो परफेक्टली ग्रामेटिकली फिट बैठ रहा है। तो वैसे एक और कोई वर्ड था, दो क्वेश्चन उसके ऊपर थे। 5 क्वेश्चन थे वो थे पैरा जंबल के ऊपर और एक स्टोरी बेस्ड पैरा जंबल था, एक डॉटर और एक फादर की स्टोरी थी रिगार्डिंग वोट को लेके, मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत होगा कमेंट सेक्शन में। उसके बाद एक क्वेश्चन था आरसी था, 9 मार्क का था, स्टोरी बेस्ड आरसी था, गायनोकोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। उसके बाद 3 क्वेश्चन जो थे जैसे लास्ट ईयर भी आए थे 5 क्वेश्चन, जहां पे आपको 4 सेंटेंस दे दिए जाते हैं और फिर पूछते हैं कि कौन सा ग्रामेटिकली सही है तो वो आपको पहचानना है, तो उसके 3 क्वेश्चन थे। ऐसे टोटल 30 क्वेश्चन थे इंग्लिश के। अब मेरी बात करूं मैथ्स सेक्शन की, तो मैथ्स में आपके 13 क्वेश्चन आए थे सिंपल, एकदम इजी, डुएबल, फटाफट, जिसकी स्पीड है वो बंदा 2.5 मिनट 3 मिनट बना चुका होगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके आए थे मिसिंग सीरीज के, 5 क्वेश्चन आपके आए थे डीआई के ऊपर और डीआई एक लाइन ग्राफ डीआई थी, और मुझे जो उसका रिस्पांस मिला है वो मिला है कैलकुलेटिव थे, लाइक क्वेश्चंस काफी लेंदी थे, थोड़ा कैलकुलेटिव करना पड़ा जो कि हम आरबीआई में एक्सपेक्ट नहीं करते, तो थोड़ा लेवल को रेस किया है हल्का सा। बाकी पूरे 12 क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे और अरिथमेटिक में भी ऐसा सुनने आया है कि 12 की 12 क्वेश्चन ईजी नहीं थे, लेकिन 12 में से आप 6 से 7 क्वेश्चन ईजीली बना सकते, बट बाकी के 8 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा 4 से 5 के लिए थोड़ी मेहनत करनी, और यही 4 से 5 क्वेश्चन सिलेक्शन लेके देता है। तो जिसने बनाया है 35 क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। अब यदि बात करूं रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग में यार 15 मार्क की आपकी पजल आई है, जिसमें से 5 क्वेश्चन थे सर्कल बेस्ड, 8 लोग बैठे हैं सर्कल को सेंटर में फेस कर रहे हैं, सिंगल वेरिएबल था, कोई और नहीं था। 5 क्वेश्चन आपके थे भैया लीनियर, मतलब नॉर्थ फेसिंग, 7% फेसिंग थे। 5 क्वेश्चन आपके थे शेड्यूलिंग वाले, मतलब 8 लोगों को अरेंज करना था प्रॉपर तरीके से। 3 क्वेश्चन आपके ब्लड के थे, 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन के थे, 3 क्वेश्चन आपकी इनइक्वालिटी जो कि डायरेक्टली थी, कोई भी कोडिंग डिकोडिंग या सिलॉक के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, तो सेकेंड शिफ्ट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। उसके बाद आपके 5 क्वेश्चन थे न्यूमरिक डिजिट सीरीज, जैसे कि वो नहीं होता 7, 2, 9, 8, 5, 6, 7, 6, 9, अब उसमें पूछ लिया इफ इंटरचेंज द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट एंड देन टेल विच इज द सेकेंड हाईएस्ट नंबर, ऐसे टाइप के 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद आपके 3 क्वेश्चन जो थे वो थे अल्फाबेट, लाइक जैसे कि ए वाई जेड सी डी ई ए वाई एस, ऐसे वाले। अब उसमें बोल देगा कि कंसोनेंट को प्लस प्रीवियस से चेंज कर दो, वॉवल को नेक्स्ट से कर दो, फिर बताओ कितने वॉवल्स है, एटलीस्ट 1 वॉवल किस में, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन था, थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेट हल्का सा किया उसने। और 3 क्वेश्चन आपके मिसिंग के थे, तो ओवरऑल पेपर वॉज जैसा आरबीआई में एक्सपेक्ट किया था, पेपर इजी आएगा, सिर्फ जिसने मैथ सेक्शन को संभाला वो बनाएगा। आप लोग बताना आपका कैसा अटेम्प्ट थे, और यदि
एनालिसिस काफी अक्यूरेट था, तो जरूर चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और मेरा क्या रहता है पेपर थर्ड शिफ्ट में, तो मैं वो बताऊंगा आपको। बाकी मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट वालों को। बाकी मिलते हैं, जय श्री राम, राम राम।